थोड़ा थोड़ा पिए कहीं स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है दोस्तों यहाँ पे चीता की आग कभी शांत नहीं होती। दोस्तों हम यहाँ पे बाबा जी के पास मौजूद हैं, उनसे हम नाम जानना चाहते हैं। नमस्कार बाबा जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या आपका नाम पड़ेगा? राजकुमार अघोरी बाबा जी। आप काशी में कितनी दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? काशी मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, काशी में जन्म। आप तो काशी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अपने बारे में जानते हैं। अच्छा, अपने बारे में। और जैसे हम पूछना चाहते हैं, ये जो आग वगैरह होता है, आग 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 की अगर हम बात करें, बहुत से जो साधु संत महात्मा जो हिमालयों में जो तपस्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो आग होता है वो अगर तापने से रक्त को नाश करता है, क्या ये सच है? नहीं, अलग अलग आग है। यहाँ तो शमशान भूमि है ना। हाँ। यहाँ कोई आग नहीं है, तो शमशान का धुआं। हिमालय में तपस्या करता है कोई, महाशमशान में तपस्या करता है। महाशमशान में करता है, हिमालय का बात अलग है। वो हिमालय में कर रहे हैं, जो अघोरी साधु होते हैं वो शमशान में ही करते हैं। अच्छा, और शमशान ही सबसे बड़ा हिमालय है यहाँ। अच्छा, अघोरी की अगर हम बात करें, जो दीपावली की अमावस्या जो रात होती है उसका क्या महत्व होता है? अमावस्या को पूजा पाठ होता है, तंत्र क्रिया का हो गया। अच्छा, अलग अलग प्रकार के पूजा होते हैं उस दिन। अगर हम बात करें, और जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि जीवन के अंतिम समय लोग काशी आते हैं मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए काशी आते हैं जी। और कर्म खराब हो तो चाहे काशी जाओ चाहे कहीं भी जाओ, तब वो कुछ हाँ। नहीं मिलेगा। कर्म अगर आपका सही है तो काशी में रहो चाहे कहीं भी रहो, आपको कुछ ही मिलेगा। और यहाँ पे कर्म के हिसाब से होता है। और यहाँ पे एक तारकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हाँ, यहाँ पे बताया जाता है कि खुद यहाँ पे तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र देते हैं, ये तो बस है। ये बात सच है। तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए। जीवन क्या सत्य है? जीवन और क्या, जीवन सत्य है। अपने जीवन के बारे में क्या बता तो यही मेरा काशी का जन्म भूमि है। मेरा जन्म भी काशी में हुआ। मैं तब भी काशी में महाशमशान में अपने बाबा मशानाथ के लगे कर रहा हूँ। और यहाँ और हरिश्चंद्र दो ही जगह मेरा साधना क्रिया पूजा होता है। और मैं अवधूत राम बाबा आश्रम पड़ाव अघोरेश्वर आश्रम, वहाँ मेरा कुटिया है जंगल में एकांत, वहीं पर रहता हूँ। कितने लोगों का हमारे चैनल पे कमेंट आता है कि मैं भी अघोरी बनना चाहता हूँ, मैं भी साधना करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? साधना है क्या, पहले इसको समझना है जी। साधना में क्या क्या? साधना मतलब पहले अपने आप को साधना है जी। जब अपने आप को नहीं साध पाएंगे तो कैसे साधना करेंगे? और साधना करने के लिए पहले अपने आप को साधना है। और कहा जाता है कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। सब कुछ नहीं, केवल बुराई को पहले त्यागिए, सब कुछ क्या त्यागेंगे? अच्छा, जब आप बुराई को नहीं त्यागेंगे तो सब कैसे त्याग सकते हैं? पहले तो अपने अंदर से बुराई को मिटाना है, फिर त्याग आएगा आपको, फिर भक्ति करना है, फिर शक्ति आएगा। शक्ति तो कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं, आपको भक्ति करने तो ही शक्ति मिलेगा जी। ठीक है, त्याग, बुराई को त्यागना है, अच्छाई को नहीं त्यागना है। एक एक साधे सब सदे, हमको सबको साथ के चलना है। त्याग क्या है जी? त्याग बुराई को त्यागना। अगर हम बात करें साधना की, तो साधना में क्या क्या चीज़ नियम होता है? नियम बहुत होता है, जो जानता वही कर सकता है साधना। अच्छा, और कोई नहीं कर सकता? या तो फिर उसको सिखाना पड़ेगा, साथ में रहेगा, बड़ा परिश्रम करेगा तब जाके वो सीख सकता है साधना। साधना इतना आसान थोड़ा है। साधना मतलब पहले अपने आप को साधना है जी। जब अपने आप को नहीं साधेंगे तो कोई साधना नहीं कर सकते। अब तो जैसे 2 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, तो आप वहाँ पे जाएंगे? महाकुंभ में हम कहीं नहीं जाते हैं, ज़्यादा करके अगर चले गए तो चले गए, नहीं हमारे लिए यही महाकुंभ है। जहाँ भी आप देख रहे हैं महाशमशान जी, तो महाशमशान महाकुंभ यही है। अच्छा, हमारे लिए। और बाबा का बात है तो बाबा लोग जहाँ इनकी इच्छा वहाँ जाके अपना भजन करें, उसमें उनको हमें नहीं वो है। मैं हमारे लिए हमारा महापुरन महाशमशान पे ही, और महाकुंभ मेरे लिए यही महाशमशान है। अब काशी में जब होली होती है तो महा मशान की होली लाग होती है, होती है। हाँ, वो मेन होली है जी। महाशमशान के भस्म पे ही होली खेला जाता है। बहुत बहुत चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त।